गणित के इस विज्ञान को हमने और समझने की कोशिश की तो हमें पता चला कानपुर की दिलप्रीत कौर के बारे में। दरअसल वो कठिन से कठिन जो सवाल होते हैं इतनी आसानी से हल कर लेती है कि कई दफा लगता है कि कैलकुलेटर उनसे पीछे हो गया। पूरी दुनिया में उन्हें कैलकुलेटर गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। 800, 582, 279, 753, 900, 542, 229, 754, 643, 158, 390, 926, 407, 861, 5428, 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
दोस्त है, बड़े से बड़ा कैलकुलेशन जिसे करने में कैलकुलेटर भी थोड़ी देर को हाँफ जाए उसे वो सेकंड्स में हल कर देती है। जितनी देर में आप नंबरों को कैलकुलेटर में टाइप करेंगे उससे कहीं कम समय में दिलप्रीत जवाब के साथ हाजिर हो जाती है। उनकी इसी खूबी के लिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। मैंने एक ही वर्ल्ड कॉम्पिटिशन में भाग लिया जिसमें 54 कंट्रीज ने भाग लिया था। वो 8 मिनट का कॉम्पिटिशन था और मैंने उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सम सॉल्व किए थे और मेरे को अवार्ड भी मिला था। मेरे 4 डिजिट डिवाइड बाई 2 डिजिट का जो रिकॉर्ड है वो मैंने 100 सम्स 75 सेकेंड्स में किए थे। आइए आपको दिखाते हैं वो अकल्पनीय मानव क्षमता जिसने दिलप्रीत को सुपर गर्ल बना दिया है। दिलप्रीत कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए मैथ्स के सवालों की प्रैक्टिस करती है। 3 के काउंटडाउन पर कंप्यूटर में बेहद तेजी से सवाल आने शुरू हो गए। सेकंड से भी कम समय में कंप्यूटर स्क्रीन पर नंबर बदल रहे थे। दिलप्रीत के पास पलक झपकाने का भी समय नहीं था। उंगलियां हवा में चल रही थी, नजरें कंप्यूटर स्क्रीन पर थी और दिमाग सवाल पर। 15 सेकंड के अंदर, जी हाँ सिर्फ 15 सेकंड के अंदर उन्होंने 100 नंबरों को जोड़कर रख दिया। दिलप्रीत भी हाथों को ऐसे हिला रही थी जैसे हमने पहले एक वीडियो में दिखाया था। तो क्या उंगलियों पर दिलप्रीत ने इतनी ज्यादा गणनाओं को याद रखा हुआ है या उनके दिमाग में भी कोई कैलकुलेटर जैसा यंत्र फिट है जिसके काल्पनिक बटनों को वो हाथों की उंगलियों से दबा रही थी। मैंने अबेकस की मदद से मैंने कैलकुलेशन सीखी, तो जो कैलकुलेशन मैंने सीखी जो टूल था वो मेरे ब्रेन में फिट हो गया। उस टूल की मदद से ही मैं लंबी से लंबी कोई भी कैलकुलेशन कर लेती थी। चाइल्ड प्रोडिजीज यानी बच्चों की जीनियस क्षमता पर रिसर्च करने वालों का कहना है कि किसी भी बच्चे की विलक्षण क्षमता के पीछे उसके अभिभावकों का बड़ा योगदान होता है। हमने ये सवाल दिलप्रीत के पिता के सामने रखा। जी, हम लोग ने आज से करीब 8 साल पहले एक यूसीमास जो एक चाइनीज पद्धति है इसकी एक फ्रेंचाइजी ली थी हम लोग ने, जिसमें ये बच्चों को कैलकुलेशन करना सिखाया जाता था। तो इसमें समय तो जब हमने ये काम खोला तो इसमें कोई आने को तैयार नहीं हुआ, तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन मैंने अपनी बेटी का किया। दिलप्रीत अपने स्कूल में वंडर गर्ल के नाम से प्रसिद्ध है। वो हर रोज कैलकुलेशन को हल करने की अपनी क्षमता की प्रैक्टिस करती रहती है क्योंकि उसका लक्ष्य अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज कराने का है।